आपको हम खबर दिखा रहे पुंछ से, जहां पे आज डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने सरपंचेस के साथ एक इंट्रैक्शन मीटिंग रख दी, जिसमें उन्होंने उन्हें अवेयर भी किया बैक टू होम विलेज प्रोग्राम के हवाले से भी। आइए आपको दिखाएं। जैसे कि आप लोगों की कई बार ये शिकायत रही गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से कि आपको सब्ज बाग बहुत दिखाए गए, लेकिन उस हिसाब से कोई आता नहीं है आपके पास। तो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने अब ये डिसाइड किया कि कैसे नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई जो चीजें थी वो धीरे धीरे, क्योंकि हमेशा बीच में हमारी भी मजबूरियां थी कि दूसरे काम में भी सरकार भी बिजी थी। सेकंड एक फाइनेंशियल ईयर भी एंड होने वाला था, उसके बाद जैसे ही फाइनेंशियल ईयर हुआ, क्योंकि इलेक्शन भी था, तो कोई हम नई अनाउंसमेंट गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी। इसके अलावा लेकिन पिछले दो तीन दिनों में आपने देखा होगा कि काफी सारे ऑर्डर इशू हुए हैं। जैसे मैंने भी अपने पास एक इशू ऑर्डर इशू किया था कि हमारी जो भी पंचायतें हैं, जो भी आपके प्राइमरी स्कूल्स हैं, उसके मास्टर्स की तनख्वाह जो है वो आपके जो हमारा सरपंच जो है वो काउंटर साइन करेगा तो निकलेगा कि वो वहां पे मौजूद रहता है कि नहीं रहता है। इसी के ये सारा आपने काम करना है, ठीक है। वहीं इस हवाले से जब हमारी सरपंच से बात हुई और उन्होंने कुछ यूं कहा, ये सारा सिस्टम जो है एमजी निर्गा है, मतलब इसमें और बहुत सारे हेड्स हैं जिसमें पैसा आ रहा है। अब डिस्ट्रिक्ट प्लान है, स्टेट प्लान है, सब में पैसा आ रहा है। बट बात यह है कि जहाँ पर किसी, मैं ये कहूँगा कि इस वक्त तो वो माहौल रहा नहीं कि चलो कोई गवर्नमेंट होती तो वहाँ जितने लेजिस्लेटर थे वो बोर्ड के मेंबर होते, तो वो बात पहले जाती थी कि बोर्ड के मेंबर जो हैं वो यहाँ से कटवा देते हैं, वहाँ रखवा देते हैं, वहाँ कर देते हैं, वहाँ कर देते हैं। आज तो गवर्नमेंट तो है नहीं है, आज तो सीधा गवर्नर साहब बैठे हैं, उनके एडवाइज़र हैं, तो प्लस जो ऑफिसर्स नीचे लेवल तक हैं वो ब्लॉक लेवल तक के, ये सब रिस्पांसिबिलिटी उनकी है। अगर वो इसमें इस किस्म की कोई बातें करेंगे कि यहाँ का पैसा वहाँ, वहाँ का यहाँ, या किसी एक जगह को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, दूसरी को कम देंगे, इसके ख़िलाफ़ तो हमारा ज़बरदस्त एहतजाज होगा। और हम एक्सीलेंसी गवर्नर साहब से भी ये बात कह देना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी बात हमारे नोटिस में आने वाले दिनों में आई तो हम इसके ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाज करेंगे, और ऐसा एहतजाज करेंगे कि मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें वो कश्मीर को भी भूल जाएंगे, वो इसी प्रोसेस को देखेंगे कि ये एहतजाज क्यों हो रहा है, अगर बैक टू हो रहा है। अगर बैक टू विलेज में जो अफसर आते हैं, अगर वो रिपोर्ट जो है सही ग्राउंड लेवल से नहीं देते किसी जातियात की वजह से, तो क्या मानते हम उन देखो, अगर जातियात की वजह से वो करेंगे, हम उनके खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज करेंगे। हम एक्सीलेंसी गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि जो लोग आएँ वो एक्चुअल रिपोर्ट दें और एक्चुअल काम करें। अगर ग्रास रूट से आपने तामीर और तरक्की के काम शुरू किए तो ये सपना, ये ख्वाब जो है पीएम साहब का पूरा होना चाहिए, वरना इसका जवाबदेह जो है वो पीएम साहब होंगे। कल कोई ग्रास रूट से तामीर और तरक्की का काम नहीं होगा तो इसका मतलब पीएम साहब के तमाम वादे जो है वो ख़त्म, फिर खोखले हो गए। अब नया प्रोग्राम बैक टू विलेज आया है, हमने इस पर नज़र रखनी है, ये बैक टू विलेज कहाँ तक लेके जाता है। अगर बैक टू विलेज सिर्फ अंगेज है, सिर्फ अंगेज रखने के लिए आया है, तो फिर हम ये समझेंगे कि ये हमारे साथ तमाम धोखादेही हो गई।